श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 25वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच। इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पुर्वर्षाणामयुतं जले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया, फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो, ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींग से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी।
उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं लगा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक नौ द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजा द्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएँ और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेक पक्षी भांति भांति के बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक सौ सौ नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष के खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटिप प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौंह और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, हे कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, साध्वी इस समय
कहाँ से आ रही हो? भीरु, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? हे सुभ्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? हे सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो? यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? हे सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखा, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया। तुम्हारी लजीली और रतिभाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचिस्मिते सुंदर भौहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखार बिंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मनहरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। हे वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। हे प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। हे शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो,
इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म अर्थ काम संतान सुख मोक्ष सुयस और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर देव ऋषि मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। हे वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वरण नहीं करेगी। हे महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त नहीं ललचाएगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे के बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेक स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निरिति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। एक नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी
इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसूचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज़ को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो अपने आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। हरि शरणम् श्री कृष्णार्पणमस्तु।